होगा जिसका फोकल लेंथ क्या हो, पॉजिटिव, सही है, और डाइवर्जिंग वो होगा जिसका फोकल लेंथ क्या हो, नेगेटिव। बार बार मतलब हम लोग ये रे डायग्राम तो थोड़ी बना सकते हैं। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, कन्वर्जिंग, और फोकल लेंथ क्या आता है, नेगेटिव आता है तो क्या होगा, डाइवर्जिंग, सही है। कैलकुलेशन के बाद तो एक केस में लेता हूं, केस वन इसमें लेता हूं। केस वन ये है कि अपने पास में एक लेंस है और इसको बता रही हूं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ये बाई कॉन्वेक्स है, क्या है, हालांकि हमको पता है कन्वर्जिंग ही होता है इन जनरल, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। बाहर जो मीडियम है पानी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के एक चीज पता चलना चाहिए कि किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है और इसकी कम है। तो ये जो हम केस ले रहे हैं केस वन, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इतना समझ में आता है, मीडियम लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है, सही है। मैं डेटा ले रहा हूं क्योंकि आंसर जिससे आ जाए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन इसको जनरल वे में क्या कह सकते हैं कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या है, ज्यादा। नहीं समझ आ रहा, ये 1.5 आएगा, ये 1.33 आएगा, तो ज्यादा तो यही तो है, सही है। अच्छा, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला में फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपने को पता चला था, 1/f = और इक्वल है वो, तो आप रखो वैल्यू रखो, 1/f पता करना, μ2 कितना, 3/2, कितना है, 4/2, -1, 1/r1 10 प्लस का माइनस 10 जुड़ जाएगा। अच्छा, ये कितना, 9/8 हो गया, सही ना, माइनस 1 ये प्लस होगा ना, 2/10 ये हो गया 1/8 इंटू 1/5 क्या, 1/40 फोकल लेंथ क्या है, 40 पॉजिटिव, क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। मतलब अगर, तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि अगर किसी कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे मीडियम में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग ही रहता है, सही है। और अगर आप यहां डाइवर्जिंग भी रख दो तो डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग ही रहेगा, मतलब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका नेचर वही रहेगा जो इन जनरल हम लोग बोलते हैं, सही है। मतलब इन जनरल नेचर हम क्या बोलते हैं, तभी बोलते हैं जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा, क्योंकि इन जनरल हम एयर भी बोलते हैं और एयर से तो ज्यादा होता ही, समझ में आ रहा है। इसका नेचर क्या ही होगा, कन्वर्जिंग होगा, समझ में। अच्छा, ऐसे बहुत आपको बोले ना क्या है, लेकिन आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा तो आप क्या बोल दोगे, कन्वर्जिंग बोल देंगे, सही है। केस वन समझ में आया, इसको नोट करो, केस टू की बात करते हैं, ठीक है। केस टू में लेता हूं कि अगर लिक्विड का या जो भी मीडियम ले रहे जिसमें रख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, मीडियम लेते हैं, लेंस से क्या है, ज्यादा, क्लियर। तो जिसमें हमने रखा है लेंस, तो इन जनरल मुझे पता है कितना होता है, 3/2। मैं इन जनरल हूं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 3/2 होगा। अच्छा, और जो मीडियम है सर, ये फिक्स ही माना हो रहा है, नहीं फिक्स मतलब ग्लास बदलोगे तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब अगर मटेरियल आप चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा ही, लेकिन जो इन जो ग्लासेस आपको मिलते हैं लेंस मिलता है उसका 3/2 के आसपास होता है, कोई फिक्स नहीं है, 3/2 के आसपास होगा। आप अगर चेक करना चाहोगे तो चेक कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी चेक करने से पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, क्योंकि हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 2 ले लो, कौन बड़ा, 2 ये बड़ा है, 2 ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते
क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाई वी, तो ये हमेशा वन से तो ज्यादा होगा. कैसे? क्योंकि भाई सी तो हमेशा बड़ा ही होगा, मैक्सिमम वी की वैल्यू सी हो सकती है, तो म्यू तो हमेशा वन से क्या होना चाहिए, ज्यादा. वन से छोटा लेते तब गलत बात थी. सही है, आगे बताओ. एम बताओ, इसका आर मैं टेन लेता हूं, इसका भी आर टेन लेता हूं. अब ये अपने आप में एक सवाल है, आपको दे देगा लेस दिया, लिक्विड में रखा, आर दिया, कि आपको फोकस पूछ सकता है. ट्वेल्थ लेवल का अच्छा सवाल है. तो वन बाई एफ कितना आएगा? वन बाई एफ इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. म्यू टू कितना हो? थ्री बाई टू. म्यू वन है टू माइनस वन, वन बाई टेन, वन बाई टेन माइनस टेन. तो ये हो गया भैया थ्री बाई फोर माइनस वन, टू बाई टेन. डायरेक्ट बोल दे तो ये वन बाई फोर आएगा, वन बाई फाइव माइनस वन बाई फोर और वन बाई फाइव. क्या वन बाई ट्वेंटी आया? तो एफ कितना आएगा? एफ आएगा माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर. मतलब नेचर क्या हो गया? डाइवर्जिंग हो गया. अब एक बात बताओ, कोई तुमसे कहे कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो क्या वो सही बोल रहा है? जरूरी नहीं है. कहेगा तुम क्या कहोगे, पूरा बताओ किधर रखा तुमने लेंस को? तो कहेगा एयर में, तो हाँ सही है. कहेगा पानी में, तो हाँ सही है. कहेगा एक ऐसे मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू है, तो नहीं गलत है. अगर ऐसे मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया जाए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो वो कन्वर्जिंग की बजाय डाइवर्जिंग हो जाएगा, नेचर बदल जाएगा. समझ में आ रही है? अच्छा एक और केस लेता हूं, लिखना मत. अब एक और केस लेता हूं, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि ऐसा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो जाए, बराबर. तो इधर देखना, ये लेंस है आपका, इसका भी थ्री बाई टू और इसका भी थ्री बाई टू. पहले आंसर करते फिर फील करते कैसे हुआ था. तो ये जो भी आपने मीडियम लिया, अभी बात करते हैं, बताओ वन बाई एफ कितना है ना? म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. म्यू टू आ गया थ्री बाई टू, ये भी हो गया थ्री बाई टू माइनस वन, आर वन हो गया वन बाई टेन माइनस माइनस वन बाई टेन कर गया. ये क्या जीरो हो जाएगा? और ये तो कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो गया. वन बाई एफ आ गया जीरो, एफ क्या? जीरो. इनफाइनाइट. एफ क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. एफ क्या होगा? इनफाइनाइट. रुको रुको, एफ इनफाइनाइट इसका मतलब क्या? कि फोकस. तो इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया, तो क्या मतलब है इसका? मतलब लाइट रे अगर जाएंगी, ये मीडियम है, मीडियम सेम है, तो लाइट रे जैसे जाएंगे उनसे पूछोगे रिफ्रैक्शन होगा तुम्हारा? नहीं होगा, सीधे निकल जाएंगी. जितनी लाइट रेज है सभी सीधे निकल जाएंगी बिना रिफ्रैक्शन कराए. तो कहां मिलेगी? इनफाइनाइट. तो फोकल क्या आएगा? इनफाइनाइट. नोट कर लो इसका. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करें. हाँ नोट करते जाओ. ऑफ मीडियम इज greater than the refractive index of lens, the nature of lens changes. लेंस का नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. और अगर ऐसा नहीं है तो चेंज नहीं होता. तो उसमें आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है. जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग हो जाएगा. सही है?
ठीक है नोट करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आते हैं थोड़ा सा हेडिंग डालो जैसे कौन है दुकान है हटा दे इसको अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक लेस फॉर्मूले का ये है लो टेंथ लेवल का देखा जाए ठीक है लेस फॉर्मूला क्या है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू तो इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूं बहुत ज्यादा लेकिन मतलब कैसे कैसे होगा स्टेप समझ लेते हैं तो कोई जब भी आपको प्रूफ करना हो ना तो हमेशा आप कौन सा लेंस लो कॉन्वेक्स ही लो ठीक है इसको थोड़ा सा वर्क करो इसके लिए आओ अगर तुम नेता ना बनते तो शायद थोड़ा बेटर हो जाते नेता की भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी ठीक है मोटिवेशनल कुछ लोग बोलते हैं मतलब फालतू में यार इधर देखो ना इससे कुछ होने वाला है जो तुम कर रहे हो उससे कुछ होने वाला है नहीं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं ये कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस ये वैलिड हमेशा होगा कॉन्केव लोगे तब भी वैलिड फॉर्मूला होगा अब एक दिमाग में रखने वाली बात है जब भी आपको बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आए तो कॉन्वेक्स का ही बनाओ डायग्राम क्योंकि ये इजी होता है और एग्जामिनर भी आपको देखेगा कॉन्वेक्स ही आपको बुक्स में भी कॉन्वेक्स का ही बना है मतलब दिमाग लगाने लगे कॉन्केव का बनाने लगे कोई मतलब नहीं उसका ठीक है रे डायग्राम जितना हो सके इजी करते हैं जब उसने दे ही टफ दिया तब तो आपको खेलना ही है तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए दो एक तो ऐसे ही छोड़ दो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला अच्छा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ ओ से है तो इसको कुछ क्या बोल दे पी बोल दे क्या नाम बदलना पड़ेगा एक ऑप्टिकल सेंटर से छोड़ेंगे तो ये सीधे ही निकल जाएगा इसको कोई रोकने वाला नहीं एक और आपको चाहिए सही है तो वो ऐसे एक मान लो कोई भी आ गया इसका रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पर क्या बन गया इमेज ठीक है अच्छा एक बात और है जब प्रूफ करना है तो हाइट को भी ले लिया जाए क्या करना है एक ही साथ मान लो यहां हाइट है देख लो इधर ये हाइट है इसका नाम PQ सही है अच्छा ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट S ऑब्जेक्ट बोलेंगे सही है अच्छा एक तो ये अपना रे चला गया एक और रे कौन सा जाएगा यहां से किधर से हालांकि उसका कोई अब मतलब नहीं क्योंकि अब तो Q से हमें छोड़ना सही है तो ये एक लाइट रे इधर चला अच्छा इसको मैं कहां रखा हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहां फोकस है और ये क्या है टू एफ तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर वाला तो सीधे सीधे निकल गया बताओ तो निकल है क्या प्रूफ अपने को 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ प्रूफ करना है जो बचपन में तुम लोग 10th क्लास में किए थे सही है हाँ पूछ सकता है यहां पर बताओ फोकस से कहां से जाएगा फोकस से होते हुए जाए तो फोकस यहां ले आएंगे कोई दिक्कत सही है फोकस अपने हाथ में फोकस अपने हाथ में है तो बहुत दूर बन गया थोड़ा सा अब देखो यार जब एग्जाम में बनाओगे ना ये नहीं कॉपी के बाहर निकाल दो उसको थोड़ा अपने हिसाब से तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा दिमाग लगा दे ये नहीं कि अरे ये बन गया है तो अब क्या हो पाएगा एफ तो अपने हाथ में है रे डायग्राम बना लो क्योंकि अब ये फेयर रे डायग्राम बना ही नहीं सकते पहली बात तो ये फेयर इन द सेंस एंगल आपका सही हो कुल रे डायग्राम आप रफली बना रहे हो कि ऐसे लाइट रे जा रहे उसको शो करना है खाली तो ये इस किसका इमेज बनेगा क्यों का सही है ऐसे क्योंकि इस पॉइंट का इमेज कहां बन जाएगा यहां इसका कहां बन जाएगा यहां
इसका कहां बन जाएगा? यहां कुछ, इसका कहां बन जाएगा? यहां, इसका कहां बन जाएगा? यहां। क्या सबका इमेज बन गया? ऐसे बना लिया जाए। अरे वैसे बोले थे, समझने के लिए अपना बना। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले इसको बना लो फिर बात करते हैं। डायग्राम ये क्या है? क्यू डैश और ये पी डैश। वेरी गुड। ये देखो इधर ध्यान से, बात मत करो। तो यार मैं लिखवा नहीं रहा हूं, इसमें मेन मेन पॉइंट समझो। ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है? पी डैश क्यू डैश ओ एंड पी डैश क्यू डैश ओ, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो बताओ अगर सिमिलर से फायदा उठा सकते हो पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इक्वल टू ओपी अपॉन ओपी डैश। अभी आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस में समझो, जब भी आपको 1 by b अगर ये सब रिलेट करना हो तो एक बात ध्यान रखना कि आपको ये वाले लेंथ का रिलेशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ये वाला लेंथ तो हमें चाहिए ही नहीं, तो किसी और इक्वेशन में इनको लेके आना। तो यहां ध्यान से अगर मैं ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, तो ये ओ ओ डैश कर देगा। ठीक है, कुछ नहीं, क्या करेंगे बताओ? सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा? ट्रायंगल ओ ओ बराबर ओ एफ अपॉन पी डैश एफ। क्लियर है? अच्छा इसको ओ ओ डैश क्या पी क्यू के बराबर है? पी डैश क्यू डैश। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओ एफ अपॉन पी डैश एफ, कोई दिक्कत है? नहीं। अभी ना एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये एलएचएस बराबर है। अगर एलएचएस बराबर है तो क्या भी बराबर है? आरएचएस। तो इसका मतलब ओ पी अपॉन ओ पी डैश बराबर ओ एफ अपॉन पी डैश एफ। ओ पी ओ पी ओ पी कौन है? ओ पी ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? यू। ओ पी डैश क्या इमेज डिस्टेंस है? वी। ओ एफ क्या फोकल लेंथ एफ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या माइनस यू ले लू? माइनस यू। ओ पी डैश को क्या बी ले लू? ओ एफ को क्या ले लेते? एफ ले ले। पी डैश एफ को क्या लिया जाए? पी माइनस एफ। क्या पी डैश एफ को ध्यान से मैं बदल दू पहले, यही पर एक स्टेप और कर दे। ओ एफ अपॉन पी डैश एफ को मैं लिख सकता हूँ ओ पी डैश माइनस, ध्यान से यही पी डैश है तो ये पूरा माइनस ये, तो पूरा हो गया ओ पी डैश। सही है ना? ओ पी डैश कितना है? वी। और ओ एफ कितना है? एफ दिया है। मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया माइनस यू वी माइनस का प्लस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। डिवाइड कर दे क्या? किससे डिवाइड? यू वी एफ से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दे सब में। क्यों किया डिवाइड? क्योंकि डिवाइड करने से नीचे टर्म्स आएंगे ना, अपने को पता है क्या चाहिए अपने को। देखो हमेशा आप टारगेट को देखते रहोगे ना, यही तो चाहिए मुझे। कुछ लोग यही पहुंच के छोड़ के चले जाते हैं। यहां से टारगेट दिख रहा है वहां पहुंचना है, नीचे आना चाहिए। तो नीचे आने के लिए मैं यूबीएफ से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां आएगा माइनस वन बाई एफ डायरेक्ट प्लस वन बाई वी डायरेक्ट प्लस वन बाई यू। इसको इधर लो, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इसको वन बाई एफ। आ गया आंसर? समझ में आया? हो गया पता? अच्छा यहां पर हम लोग ये वाला प्रूफ हो गया। एक प्रूफ है मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए वी वाई यू। मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोला था, प्रूफ करते हैं वी वाई यू कैसे होता है। मैग्निफिकेशन होगा क्या? मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट
वन सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने का बना, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है। तो अगर मान लो इमेज की हाइट डबल है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, टू। इमेज की हाइट ट्रिपल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, थ्री टाइम्स। अगर फोर टाइम्स है, जैसे मान लो टू सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज है एट सेंटीमीटर का, तो फोर आएगा। टू सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज है टेन सेंटीमीटर का, फाइव। अगर टू सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज वन सेंटीमीटर का, हाफ हो गया। तो इसका डेफिनेशन ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है, दिस इज मैग्निफिकेशन। अब ये हमें ढूंढना है, तो मतलब कहीं ना कहीं से मुझे रेशियो चाहिए, इनका रेशियो। तो ट्रायंगल ये ध्यान से देख लो, ये तो तुमने देखा भी है पहले भी, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू ओ एंड पी डैश क्यू डैश ओ, तो क्या बोलेंगे, पी क्यू अपॉन पी डैश, नहीं जाओ अपने को जो चाहिए वही बोलो, क्या चाहिए, पी डैश क्यू डैश, यही तो हाइट ऑफ इमेज है। तो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, सही है, इक्वल्स टू ओ पी डैश अपॉन ओ पी। अब साइन कन्वेंशन के साथ रख दो इसको, क्या रखे एच इमेज, क्या माइनस रखेंगे, ओके सही है, वी माइनस यू, सही बात है, ओके। तो एच आई अपॉन एच नॉट क्या आएगा, तो माइनस उधर देगा, तो क्या वी बाई यू आ गया, माइनस इधर आ गया प्लस, इसको क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, V बाई U आ गया, समझ में आया नहीं आया, नोट कर लो बस, ऐसे एक